शादी के बाद स्त्री हो या पुरुष, उन्हें ये 10 चीजें नहीं खानी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि खाने का भी सेक्स लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है? जैसे डार्क चॉकलेट और बादाम को सेक्स ड्राइव बढ़ाने वाले फूड माने जाते हैं, जबकि कुछ खाने की चीजें ऐसी भी हैं जो सेक्स लाइफ पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए जानना जरूरी है कि खाने की कौन सी चीजें हैं जो सेक्स लाइफ व प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप भी खाने की ऐसी चीजों से अनजान हैं, तो हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं खाने की कुछ ऐसी चीजों से जिन्हें अपने फूड मेन्यू से सीधे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शादी के बाद आपके जीवन की खुशहाली को कम कर देती है। पहली चीज है तला भुना खाना। ज्यादा तला भुना खाना भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, साथ ही सेक्स ड्राइव के लिए भी अच्छा नहीं। दरअसल फैट्स की अधिक मात्रा जो इस तरह के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के 57 को बाधित करती है। इसलिए अगर आप पार्टनर को इंप्रेस करने के मूड में हैं, तो डिनर के मेनू से फास्ट फूड को बाहर कर दें। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर। यदि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाएं। दरअसल इनके अधिक सेवन से हैप्पी हार्मोन कहे जाने वाले सीरोटोनिन के स्त्रावन में गड़बड़ हो सकती है। इसमें उपस्थित एस्पर्टेम से सिर्फ यही नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, चिंता आदि प्रमुख हैं। इसलिए अगली बार से जब आप अपने किचन का सामान खरीदें, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह शहद या गुड़ जैसे नेचुरल स्वीटनर का चीजें खरीदें। फिर सोडा। कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है कि रोज खाने के बाद सोडा पीते हैं। रोजाना सोडा या फ्लेवर ड्रिंक लेने की आदत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके नियमित सेवन से न सिर्फ मोटापे, दांतों में सड़न और डायबिटीज का कारण बन सकता है, बल्कि सेक्स लाइफ पर भी बहुत बुरा असर डालता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। आजकल मार्केट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश नेचुरल नहीं है, इसलिए अधिकतर हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स बॉडी डैमेज का कारण बन जाते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स के अधिक सेवन करने से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आदि हार्मोन्स में गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विषैले तत्व की अधिकता हो जाने पर सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। फिर चिप्स। चिप्स का एक पैकेट आपके शरीर के टिश्यू और कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है, साथ ही आपकी सेक्स ड्राइव को। जी हाँ, दरअसल आलू की चिप्स को बहुत अधिक तापमान पर और जले हुए तेल में तला जाता है। यह खराब फैट्स और हाई टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन सेक्स ड्राइव के लिए बेहद हानिकारक होता है। फिर मिंट। अगर आपको लगातार मिंट च्युइंगम चबाने की आदत है, तो अगली बार इसे चबाने से पहले जरा सावधान हो जाए। एक तरफ जहां यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, वह सांसों की बदबू से छुटकारा दिलाती है, वहीं दूसरी तरफ मिंट का अधिक सेवन मेंथॉल बनाता है, जो कि सेक्स ड्राइव को कम करने का काम करती है। इसलिए अगर सांसों की दुर्गंध से परेशान है, तो प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का यूज करें, ना कि मिंट च्युइंगम का। फिर कॉर्नफ्लेक्स। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, कई लोगों का मनपसंद ब्रेकफास्ट कॉर्नफ्लेक्स सेक्स ड्राइव को कम करने का काम करता है। इसलिए जब भी आप कोई रोमांटिक ब्रेकफास्ट प्लान करें या सोने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो, तो कॉर्नफ्लेक्स को अवॉइड करें। फिर कॉफी। सुबह की एक कप कॉफी मूड फ्रेश कर देती है, लेकिन दिन भर में बहुत ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए और आपके मूड के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। इसके अधिक सेवन करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का 57 में गड़बड़ी होती है। इसलिए अगर आप खुशी और प्यार भरा दिन चाहते हैं, तो अपनी डाइट में कॉफी को शामिल न करें। फिर सोया। सोया बड़ी या सोया आटा को कुछ लोग अपने भोजन में मीट की तरह इस्तेमाल करते हैं,
दरअसल पॉजिटिव तो होता है, लेकिन इसमें पाया जाने वाला फाइटो एस्ट्रोजन पुरुष सेक्स हार्मोन्स के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह पुरुष के प्रजनन अंगों और उसके शारीरिक के लिए ठीक नहीं होता है। इसके सेवन से सेक्स ड्राइव में कमी आती है। फिर अल्कोहल, आपको अल्कोहल लेने के लिए रिलैक्स महसूस हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दरअसल अल्कोहल शरीर को संवेदनशील वनीन से भरा बना देता है, जिसके कारण ड्रिंक करने वाला रिलैक्स महसूस करता है। इसलिए अगर आप ड्रिंक करने के बाद खुद को बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं तो गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्रावण बाधित होता है, जिसके कारण सेक्स ड्राइव में कमी आती है। तो धन्यवाद।